नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के 20 क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले आरआरबी एनटीपीसी व आरआरबी जेई के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन और आर्किमिडीज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा के अंदर ऑक्सीजन है जो पाया जाता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, आपको बताना है, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या न्यूटन ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वह चैडविक ने। चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आने वाले हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक ऑप्शन है दोस्तों, एम्पियर, कुलाम्ब, हेनरी और ओम। तो प्रेरकत्व का मात्रक है दोस्तों, हेनरी। अगला प्रश्न है, फारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? फारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है 97.5, 98, 98.6। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 98.6। अगला, तो वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना है। 9×10^2 मीटर सेकेंड, 3×10^11 मीटर सेकेंड, 3×10^8 मीटर सेकेंड, 2×10^4 मीटर सेकेंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3×10^8 मीटर सेकेंड, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक शक्ति की एसआई मात्रक है? तो यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक है दोस्तों, जूल, वाट, न्यूटन सेकंड या जूल सेकंड। आपको बताना है दोस्तों कि यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, ये बताना है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेशियोमीटर। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है वो किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता, तापमान, ऊष्मा या ऊर्जा। तो क्यूरी है दोस्तों, वो है रेडियोधर्मिता। पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों, रदरफोर्ड, जे जे थॉम्सन, चैडविक या एंडरसन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एंडरसन। एंडरसन है वो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन व जॉन एडम्स। तो इसका सही उत्तर है आइजैक न्यूटन है जो इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? तो एक हीटर के अंदर तार किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, आपको बताना है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा या लोहा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, नाइक्रोम। नाइक्रोम का बना होता है दोस्तों एक हीटर का तार। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई बताना है दोस्तों, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फर्मीमीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर है जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु अधिकतम भार देती है? तो एक वस्तु है वो अधिकतम भार देती है, वायु, पानी, हाइड्रोजन या निर्वात। तो एक वस्तु अधिकतम भार देती है निर्वात के अंदर, वैक्यूम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश, प्रकाश एक है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग। तो दोस्तों, एक प्रकाश एक है अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा वैक्यूम में ध्वनि की गति है?
तो हवा में ध्वनि की गति है दोस्तों 331 मीटर सेकंड, 220 मीटर सेकंड, 110 मीटर सेकंड या 232 मीटर सेकंड। तो दोस्तों हवा में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है पारा, पानी, चमड़ा या बेंजीन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारा। पारा है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सामान्य तापमान है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 310 केल्विन है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक धन्यवाद।